हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आरटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज फिटर फर्स्ट ईयर पार्ट 19 के बारे में बताऊंगा। क्यों बता आप लोगों को, सीबीटी एग्जाम में इसी पीडीएफ से हूबहू क्वेश्चन सेम टू यू, मतलब ऐसा ही छप के आएगा। कोई चेंज नहीं, कोई इंग्लिश चेंज नहीं, हिंदी सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन आएगा। और हमारे चैनल पर फिटर इलेक्ट्रिशियन डब्ल्यूसीएस इम्प्लॉयबिलिटी स्किल तकरीबन सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं। जाएंगे प्लेलिस्ट दोस्तों, वहां पर फर्स्ट ईयर फिटर इम्प्लॉयबिलिटी, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डब्ल्यूसीएस, फर्स्ट ईयर अल्टेड डब्ल्यूसीएस, सेकेंड ईयर अल्टेड, मतलब तकरीबन सब क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ फिटर के इलेक्ट्रिशियन के मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, 50 बच्चे हैं लग रहा है मेरे को फर्स्ट ईयर के, और 25-30 बच्चे हैं सेकंड ईयर के, ऐसे इलेक्ट्रिशियन दोस्तों हैं। तो आप मेरी विनती हाथ जोड़ के, कि टाइम बहुत कम बच गया है, कि आप लोग का जून से प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट दोस्तों है, बच गए हैं 60 दिन, अप्रैल मई प्लस। इसी में शादी किसी की है, किसी की भाई की शादी है, किसी की बहन की है, किसी की रिश्तेदारी में है, तो आप उसमें तो 10 दिन भूल जाइए, महीने में 10 दिन का लीजिए, तो बच गया कितना 40 दिन दोस्तों। तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, आज से ही पढ़ना चालू। और हमारे चैनल बहुत कम टाइम में सिर्फ क्वेश्चन आंसर, क्यों कि एमसीक्यू का, एमसीक्यू मतलब बहुत फास्ट, द मेल क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, ये नहीं कि 1 घंटा में 10 क्वेश्चन। तो वो काम करना है तो हमारे चैनल पर फिटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चैप्टर वाइज क्लास, निम्न का सिलेबस एकदम पढ़ाया गया है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पढ़ लेंगे तो आपको इसको पढ़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, वो टाइम हो गया। आज क्वेश्चन मेरा है 4-5-1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। बोला जो कटिंग करने गति की इकाई क्या, वो क्या है, मतलब आप कोई जाप को काट रहे हैं, होता ना कटिंग, ड्रिलिंग, फोर्जिंग, फिनिशिंग, तब कटिंग बोल रहा है काटना, तो कैसे करता है, मीटर पर सेकेंड, एमएम पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों जो कटिंग की स्पीड की जो इकाई है वो है मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट मतलब कि 1 मिनट में आपने कितना मीटर कटिंग किया है। तो भूलें भूलेंगे जो कटिंग की इकाई जो है वो काटने में गति क्या इकाई है, जब कोई जाप काट रहे हैं तो उसकी इकाई होगी मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना मीटर काटा है। आंसर राइट सी। क्वेश्चन नंबर 4-5-2, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरिड आउट, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। दोस्तों देख रहे हैं ये जाप बेलना का, देख रहे हैं ये टूल है ना। तब बोला है कि किस प्रकार का हो रहा है, बेलनाकार हो रहा है, सी आकार हो रहा है ना, या चकार हो रहा है, राउंड ग्रुप हो रहा है, तो कैसा। देखिए अब देख रहे हैं जो कटिंग की जो टूल, देखिए ये क्या भी है, देखिए बन रहा है भी ना, उल्टा भी है, मतलब भी में ऊपर नीचे, देखिए उल्टा भी बन रहा है ना। तो अगर आपका जो कटिंग टूल भी आकार का है, जो ग्रुप होगा आपका वो भी क्या होगा, सेम टू यू होगा, मतलब अगर आपका कटिंग टूल अगर यह चकार का है तो आपका ग्रुप क्या होगा, एच एच के बनेगा, गोल राउंड है तो राउंड बनेगा, वर्गाकार है तो वर्गाकार बनेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा। लेकिन आपका टूल क्या है, वी आकार का है, तो कौन सा ग्रुप बनेगा, वी ग्रुप, मतलब जैसा कटिंग टूल वैसा आपका ग्रुप बनेगा, किसमें, जाब में। आप जब किसी जाब में कोई कुछ कटिंग करते हैं तो जैसा कटिंग टूल का आकार होगा वैसा ग्रुप बनेगा उस जाब में। तो आंसर क्या हुआ, एकदम तो क्या दिया फिगर में, वी ग्रुप। दोस्तों पता आपको कि सीपीटी एग्जाम में ऐसे कुछ नजर आते हैं, फोटो वाले, ठीक है, चित्र वाले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4-5-3, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। मतलब बोला है चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच को हम क्या कहते हैं। देखें दोस्तों ना,
देखिए उसको रूट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट, छोटी नहीं ये क्रेस्ट हो गया, दोनों बीच में पिच बोलते हैं, लेकिन बोल रहा कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे फ्लैंक। ये क्या बोलते हैं, फ्लैंक हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ये फ्लैंक हो गया, क्या बोलेंगे फ्लैंक, मतलब रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को क्या बोलेंगे फ्लैंक। आंसर क्या होगा, बी फ्लैंक, रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे फ्लैंक, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 454, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर, मतलब जो डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर काम, मतलब प्रिंसिपल उनका सिद्धांत क्या, बोलते हैं ना कि आपका सिद्धांत क्या है, तो जो डायल टेस्ट जो टेस्ट करता है इंडिकेटर उनका सिद्धांत क्या काम करने का है, स्लाइडिंग है ना दोस्तों, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसका सिद्धांत करने क्या, किस सिद्धांत पर काम करता है, स्लाइडिंग में करता है, स्क्रू नट में करता है, रैक पिनियन करता है, तो ध्यान देना दोस्तों, जहां पर डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में पूछ दिया तो उसका क्या है, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पक्का आएगा, लिख लो गारंटी 100% डायल टेस्ट इंडिकेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सिद्धांत पर, तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर, द राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 455, विच डायमेंशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मतलब बोल रहा है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करने के किस, अब बोला है कि जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है उसका हम लोग उपयोग करके किस डायमेंशन को नापते हैं, मतलब मापते हैं, पता आप लोग को है कि स्क्रू थ्रेड वहां था डायल टेस्ट इंडिकेटर, तो यहां बोला है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मतलब अलग अलग नापने के लिए दोस्तों थ्रेडों को अलग अलग किस्म के जो माइक्रोमीटर यूज होते हैं, अब यहां बोला है स्क्रू थ्रेड है ना, नकल थ्रेड है ना, तमाम थ्रेड हैं, तो यहां बोला स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का हम लोग उपयोग करके किस डायमेंशन को मापते हैं, मतलब स्क्रू थ्रेड की पिच नापते हैं, स्क्रू थ्रेड के माइनर व्यास व्यास नापते हैं, या उसके मेजर का व्यास नापते हैं, मतलब क्या नापते हैं दोस्तों, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का हम लोग उपयोग करके क्या नापते हैं, स्क्रू थ्रेड का व्यास नापते हैं, क्या नापते हैं, मेजर डाई ऑफ स्क्रू थ्रेड, मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू थ्रेड का हम लोग क्या करते हैं, व्यास नापते हैं, न कि मानव नापते हैं न पिच नापते हैं, क्योंकि नाम आ गया कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके हम लोग डायमेंशन, मतलब तो मतलब डाया मतलब व्यास, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग स्क्रू थ्रेड का व्यास नापते मापते हैं, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 456, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित, बोला है किस प्रकार का पावर है जो ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है, तो दोस्तों वो कौन से बोल रहा है, किस प्रकार का पावर है जो ट्रांसमिशन स्पर गियर को संचालित होता है, कौन सा है, पैरेलल ट्रांसमिशन, दोस्तों जो पैरेलल ट्रांसमिशन है वो जो है स्पर गियर द्वारा संचालित होता है, न कि कोणीय संचरण न प्रक्षेप, नहीं, पैरेलल जो होता है वो जो है स्पर गियर द्वारा संचालित होता है, वो बढ़िया क्वेश्चन है, पैरेलल ट्रांसमिशन जो है स्पर गियर द्वारा संचालित होता है, राइट आंसर ए, समांतर संचरण या पैरेलल ट्रांसमिशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 457, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेड वे जार सेंटर लेथ मशीन, मतलब सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के वेड हैं दोस्तों, वो बड़ा क्वेश्चन है, जो लेथ मशीन में है कितने प्रकार के वेड होते हैं बताइए आप लोग, 2, 3, 5, नहीं दोस्तों 3 होते हैं, जो मुझे पता है पढ़ा होगा आपने, तो सेंटर खराद मशीन होती है उसमें 3 बेड होते हैं, बेड क्या होते हैं, 3 बेड होते हैं, 3
बहुत टॉप क्वेश्चन है। सेंटर खा मशीन में टोटल 3 ब्लड होते हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। बोल रहा है कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है, मतलब इसका इस्तेमाल क्या है, यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज, जो स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल क्या है, उपयोग क्या है। मतलब थ्रेड की लीड नापते हैं कि थ्रेड की पिच नापते हैं कि उसका माइनर डाया चेक करते हैं, मतलब क्या करते हैं। तो दोस्तों पता आप लोग को है कि जो हम लोग स्क्रू पिच गेज से थ्रेड की पिच की जांच करते हैं, उसकी पिच को हम लोग मापते हैं। ध्यान देना, वहां था स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर था, यहाँ स्क्रू पिच गेज आ गया है। तो हम लोग स्क्रू पिच गेज से थ्रेड की पिच को हम लोग जांचते हैं कि सही है कि नहीं है। अगर खराब है तो आपको टाइम चला गया, आपका जॉब खराब हो गया, आपका पैसा भी गया, आपका मेन पावर का जो वर्किंग टाइम भी गया। इसे दोस्तों हम लोग जो है थ्रेड की पिच को जो हम लोग स्क्रू पिच गेज द्वारा मापते हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र का क्या नाम है। जो फोटो दिख रहा है फिगर में, इस यंत्र का नाम पूछ रहा है। इस कौन सा यंत्र है, वर्नियर माइक्रोमीटर है, बाहरी वर्नियर माइक्रोमीटर है, थ्री वायर माइक्रोमीटर है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि इस यंत्र का नाम क्या है। देख रहे हैं ना, वर्नियर माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर, थ्री वायर माइक्रोमीटर। दोस्तों ये थ्री वायर माइक्रोमीटर एकदम आसान सा क्वेश्चन है, वो आसानी आंसर दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, जैसे कभी पूछता है कि कौन सा माइक्रोमीटर है, क्या बोलेंगे आप, थ्री वायर माइक्रोमीटर। तो आंसर ऐड क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 460, मतलब 460 आज के पार्ट 19 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग से एक बार फिर पार्ट के लास्ट में रिक्वेस्ट विनती है कि दोस्तों चैनल को पढ़िए। क्यों, नहीं पढ़ेंगे तो बेड़ा पार नहीं होगा, ऑनलाइन परीक्षा है, जुगाड़ सब फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जुगाड़ कभी फेल जाएंगे, साथ वाले अप्रेंटिस कर लेंगे, जा पा जाएंगे। दोस्तों बता दोस्तों, इस बार जितने बच्चे अप्रेंटिस किए थे, तकरीबन जो लोग ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे इसमें, तकरीबन सभी लोग का हो गया -1, -2। बताइए कितनी मीट गिर गई, बच्चे मिले नहीं। 20,000 सीट थी, बच्चे फॉर्म 18 भरे, बच्चा 12,000। तो कोई आसान लेना दोस्तों है, आप लोग कहता हूँ कि जो बच्चे आरटीआई कर रहे हैं अप्रेंटिस कर रेलवे से और नौकरी पाए, नहीं कि बीच में भाग जाए बम्बई जा रहा हूँ दिल्ली, ये तो आपको टाइम मिलेगा ही कमाने का दोस्तों। ये आपकी बात की बात है, पहले दोस्तों अपने बनाओ भविष्य को, अपने कैरियर। क्यों, आपने आरटीआई किया है, आपने 30,000 फीस दिया है, 2 साल बर्बाद किया है, तो पहले आरटीआई करने के बाद अप्रेंटिस रेलवे से एकदम 99% नौकरी आपकी पक्की है। ठीक है, एबड़ा 3 का वेटेज, पेट माफ, बताइए क्या चाहिए आपको। तो ये बताने यार दोस्तों, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ लेंगे नहीं, कहेंगे क्यों भोक्ता आर डेली आगे चैनल पर पढ़ो पढ़ो, क्या मिलता है मास्टर साहब को, यही मिलता है कि आप लोग पढ़ के पास होंगे, नौकरी पाएंगे तो हमको याद करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा था, मैं पास हो गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड अस एक्स इन सेंटर लेथ। अब बोला है जो एक सेंटर लेथ है, देखिए ना ये मार्क किया एक्स से, इस नाम पूछ रहा है पार्ट का। ये हमेशा पूछता दोस्तों, ये आपके तकरीबन हर परीक्षा में आता है सवाल लेथ से, सेंटर लेथ से। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पार्ट है टूल पोस्ट, देखिए ना ये क्या है, ये टूल पोस्ट है। कई क्वेश्चन पूछता है कि टूल पोस्ट पर जो नट लगा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्क्वायर नट। तो स्क्वायर नट ही क्यों लगाया जाता है, इसलिए क्यों कि बार बार उसको टाइट और ढीला करना पड़ता है टूल पोस्ट को, तो स्क्वायर नट के जो है वो जो थ्रेड नहीं खराब होते हैं। एक होता है हेक्सागोनल थ्रेड, क्या होता है जो होता है ना हेक्सागोनल नट,
हेक्सागोनल नट बाबा खुलने से खराब जाएगा उसकी, लेकिन जो स्क्वायर नट है वो बाबा खुलने से खराब नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए अब क्रॉस देखिए, एक क्रॉस स्लाइड है, फिर देखिए टॉप स्लाइड दोस्तों, है ना। ये सब लेथ के जो पार्ट है, जो नाम है बताया था कि उससे मतलब नहीं है, मैं बताया आपको जानकारी की, लेकिन मेन क्या है, ये जो पूछा है एक्स का नाम क्या है, तो इसका नाम है एप्रन। क्या नाम है? एप्रन, ठीक दोस्तों। तो आपसे विनती यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए हमारे चैनल पर, एक आरटीआई छात्र के लिए जो पढ़ाई है पास करने की पूरा पढ़ा दिया गया है, अब बचे हैं वो चल रहा है, अब वो कम टाइम दोस्तों कहीं जाना नहीं है, सब आपकी वीडियो पढ़ी प्ले लिस्ट में, प्लस चैप्टर वाइज क्लास है WCS की, फर्स्ट ईयर आल्टेड सेकेंड ईयर आल्टेड सब पढ़िए, पढ़ते रहिए। इम्प्लीमेंटेशन क्लास है पूरा चैप्टर वाइज है, फिटर थ्योरी की है दोस्तों, वो आपको हम कोशिश है कि इलेक्ट्रिशियन क्लास मिल जाए आपको, है ना, तो भी पढ़ा देंगे और बिना पैसे के, कोई पैसा नहीं है, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।